पेप्सी की एक प्रिंटिंग मिस्टेक ने कैसे उसे लगभग बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया था, और सेना में क्यों उठने लगी है अहीर रेजिमेंट की मांग, और बसों में ऐसा क्या होता है कि बस ड्राइवर्स का सीट बेल्ट ना लगाने के बाद भी चालान नहीं कटता, और वीडियो के अंत में बताएंगे अमेरिका के एक ऐसे मॉल के बारे में जहां आप चोरी कर सकते हो, तो डटे रहिएगा वीडियो के अंत तक। नंबर 9, साल 1992 में फिलीपींस में पेप्सी ने अपनी कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स की कैप्स पर 1 से लेकर 1000 तक की गिनती छापी और कहा कि जिस भी शख्स के पास 349 नंबर वाला कैप होगा उसे 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन जब प्राइस अनाउंस किया गया तो दंगे फैल गए। असल में हुआ ये कि पेप्सी को 349 नंबर वाले कैप के 2 ही विनर अनाउंस करने थे, लेकिन एक प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से पूरे 8 लाख ढक्कनों पर ये नंबर छप गए। वही प्राइस अनाउंस होने के बाद जिसके पास भी ये नंबर था वो पेप्सी से प्राइस लेने के लिए दौड़ पड़ा। खैर ये मामला अदालत में जाकर सॉल्व हो गया, लेकिन फिर भी पेप्सी को कोर्ट में हियरिंग से लेकर लोगों को पैसा देने तक करीब 150 करोड़ का नुकसान हो गया। नंबर 8, दोस्तों इंडियन आर्मी में कई तरह की रेजिमेंट है, जैसे कि जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और राजपूताना रेजिमेंट, लेकिन अब सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग उठ रही है। क्या आपको इसके पीछे की सच्चाई पता है? असल में हरियाणा के कई लोग राजा राव तुलाराम को लेकर इस रेजिमेंट को बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो 1857 की लड़ाई के हीरो थे। आपको बता दें कि अहिरवाल की भूमि पर अंग्रेजों से मुकाबला करने वाले राजा राव को क्रांति का महानायक कहा जाता है, और साल 1962 की चीन से लड़ाई में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की सी कंपनी के ज्यादातर सैनिक चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे, लेकिन उन्होंने दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया था। इसमें 117 अहीर शहीद हुए थे और इसलिए इस अलग रेजिमेंट की मांग उठी है। आपको इस बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, आसमान में बिछी पॉल्यूशन से भरी धूल की वजह से अब आसमान दिखाई नहीं देता, लेकिन न्यूजीलैंड में वाइटोमो केव्स नाम की एक ऐसी गुफा है जिसमें आप तारों से जगमग आसमान का मजा ले सकते हैं। असल में ये एक ऐसी गुफा है जहां पर बहुत सारे फंगस पाए जाते हैं, और ये फंगस रात के समय सितारों की तरह टिमटिमाते हैं जिसे देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। ये भी कहा जाता है कि इस केव में फंगस जितने ज्यादा भूखे रहते हैं उतनी ही तेज रोशनी फैलती है, यानी कि प्रकृति इन फंगस को भूख से जितना ज्यादा तड़पाती है ये प्रकृति को उतना ही ज्यादा रोशन करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा अद्भुत बात है। नंबर 6, दोस्तों अंटार्कटिका में लेक वोस्टोक नाम की एक ऐसी जगह है जिसे देखने में लगता है कि यहाँ तो कोई रह ही नहीं सकता, लेकिन इम्पॉसिबल लाइफ सोर्स वाले इस जगह के बारे में जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि इस जगह पर भी लाइफ मौजूद है। इस झील के अंदर ना तो हवा ढंग से पहुंचती है और ना ही सूरज की रोशनी, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट को यहां से करीब 3000 तरह की लाइफ फॉर्म्स मिली है, और ये इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि किसी भी सिचुएशन में खुद को जिंदा रख सकती है। यहां तक कि ये बैक्टीरिया जुपिटर ग्रह पर भी आराम से रह सकते हैं। इन जीवों की लाइफ स्पेंडिंग कैपेसिटी हमसे बहुत ज्यादा है, जो कि वाकई बहुत ज्यादा चौंका देने वाली बात है। नंबर 5, कितनी ही लग्जरी कार हो सीट बेल्ट की वजह से चालान सबका कटता है, लेकिन बस चलाने वाले ड्राइवर्स का आखिर चालान क्यों नहीं कटता? असल में एक लंबे समय तक बसों में सीट बेल्ट पर चालान नहीं था, क्योंकि बसों में ड्राइवर जिस पोजीशन में बैठता था वहां पर एक्सीडेंट के टाइम पर ड्राइवर पर कम असर होता है, और सीट और ड्राइवर के बीच की दूरी की वजह से भी टकराने के चांसेस कम होते हैं। इसी वजह से बसों में सीट बेल्ट की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन भारत में नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद से चीजें काफी बदल गई हैं, क्योंकि अब सीट बेल्ट को बसों में कंपलसरी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी चालान कंपलसरी नहीं किया गया है, क्योंकि इंडिया में आज भी कई बसें हैं जिनमें सीट बेल्ट तक नहीं होती। नंबर 4, दोस्तों क्या आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में पता है जिसमें अगर इंसान सो जाए तो उसकी जान भी जा सकती है? चौक है ना, इस बीमारी को ओंडाइंस कर्स या ओंडाइंस सिंड्रोम कहा जाता है। इस बीमारी में होता यह है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सोते समय सांसों को मॉनिटर नहीं कर पाता, यानी कि ब्रेन को पता ही नहीं चल पाता कि सोते समय सांस भी लेनी है। ऐसे में इस बीमारी से ग्रसित लोगों को मैकेनिकल वेंटिलेशन का सपोर्ट दिया जाता है ताकि सोते समय कोई अनहोनी ना हो जाए। नंबर 3, आपने टर्मिनेटर फिल्म तो देखी ही होगी। चलिए अगर देखी नहीं तो इसका नाम तो जरूर सुना होगा। ये अपने समय की सबसे बेहतरीन फिल्म थी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म की कहानी के राइट्स को सिर्फ $1 में बेच दिया गया था? हुआ कुछ यूं कि फिल्म के राइटर जेम्स कैमरून अपनी फिल्म को खुद डायरेक्ट करना चाहते थे। इस समय वो बेहद गरीबी में जी रहे थे, उनके पास रहने को बस एक कार थी, लेकिन फिल्म को खुद डायरेक्ट करने की जिद में उन्होंने अपना स्क्रीन प्ले प्रोड्यूसर गेल एनी हर्ड को बेच दिया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। टर्मिनेटर सीरीज दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक है। नंबर 2, दुनिया में एक ऐसा मॉल भी है जहां पर आप आराम से चोरी कर सकते हैं। सही सुना आपने, इस मॉल का नाम वॉलमार्ट है, जो कि दुनिया के सबसे बड़ा मॉल है। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी के मामले इसी मॉल में होते हैं। असल में यहां पर सेल्फ चेक इन और चेकआउट सिस्टम है, जिसका मतलब है कि आप खुद ही सामान का बिल चुरा कर घर
घर ले जा सकते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर इस शख्स ने एक नहीं बल्कि दो दो टीवी ही चुरा लिए। ऐसा ही कुछ इस आदमी ने भी किया। इस मॉल में चोरी सिर्फ कस्टमर नहीं करते बल्कि यहाँ के एम्प्लॉयज भी यहाँ से सामान चुरा कर ले जाते हैं। आपको बता दें कि इसी वजह से इस मॉल को कई बार इसके चलते फाइनेंशियल लॉस से भी गुजरना पड़ा है। नंबर एक, आपसे अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है तो आप में से बहुत से लोग बड़ी आसानी से बता देंगे कि फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे जांघ की यह हड्डी यानी फीमर हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी है। यह हड्डी कॉन्क्रीट से भी ज्यादा मजबूत होती है। ये इतनी मजबूत होती है कि 4 कारों का वजन झेल सकती है। इसलिए किसी एक्सीडेंट में फीमर के टूटने का खतरा ना के बराबर होता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।